फ्रेंड्स, ये है 152 डी नेशनल हाईवे, अंबाला नारनौल एक्सप्रेसवे या ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे भी कहते हैं इसे। 112 अलग अलग गांव से होकर गुजरता है और हरियाणा के 8 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है। कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखेदारती और महेंद्रगढ़ सब इसके बीच में आ जाते हैं। आगे जाके नारनौल बाईपास और दिल्ली जयपुर हाईवे से भी मिलता है और दिल्ली NCR का जो ट्रैफिक है वो बहुत ही ज़्यादा इस तरफ अब डाइवर्ट हो जाने वाला है इस हाईवे की वजह से। तो ये पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक कम कर देगा और इसके दोनों तरफ 1 लाख से भी ज़्यादा पेड़ लगाने की जो बात की जा रही है उससे भी जो है पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है, इसका मतलब इस पर एंट्री एंड एग्जिट के लिए स्पेसिफाइड पॉइंट्स हैं। नॉर्मल रोड से ये थोड़ा ऊंचाई पर है, जैसे आप देख सकते हैं हर जगह पे रेलिंग्स लगी हुई हैं, तो जो स्पेसिफाइड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं वहीं से आप इस पर चढ़ सकते हैं एंड वहीं से उतर सकते हैं। उन पॉइंट्स पर टोल हैं, 2-व्हीलर्स अलाउड नहीं है, तो काफ़ी कंट्रोल्ड जो है ट्रैफिक है यहाँ पर। और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए स्पीड सेंसर्स लगाए हुए हैं ओवर स्पीडिंग अवॉइड करने के लिए। कुछ दिन पहले 2 दिन के ट्रायल रन पे चला था, पर 1 अगस्त से जो है इसे जनरल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। हरियाणा की जो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके लिए इसे काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। काफ़ी एम्प्लॉयमेंट इसने जनरेट की है टोल पॉइंट्स के थ्रू, और जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था तब भी 3 साल तक सरकार ने जो है फुल टाइम जॉब्स दिए लोगों को इसके चलते। 6 लेन का जो ये हाईवे है और जो भारतमाला प्रोजेक्ट था उसके अंतर्गत इसे बनाया गया था। 227 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इस्माइलबाद से नारनौल तक ये पूरा हाईवे है। और जो जनरल एमिनिटीज़ होती हैं जैसे पेट्रोल पंप्स हो गए, रेस्ट रूम्स हो गए, ट्रॉमा सेंटर्स हो गए, ईटिंग पॉइंट्स, चिल्ड्रन पार्क, वो हमें अब तक नहीं दिखे हैं। बहुत ही कम पॉइंट्स पर वो बनाए गए हैं, पर ये कहा जा रहा है कि जो 6 मेजर पॉइंट्स हैं वहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ भी हैं। काफ़ी स्मूथ, काफ़ी फास्ट है ये हाईवे, तो अगर आप एक डेली कम्यूटर हैं तो ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा, इसका जो डिस्टेंस है काफ़ी शहरों के बीच में वो भी ये कम करता है। आज वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट है तो काफ़ी अच्छे से सफ़र कट रहा है। तो अगर आप डेली नारनौल से अम्बाला कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। थैंक यू।